बड़ी चैनल वंस अगेन और आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी स्पेशल और स्पेशली उन लोगों के लिए जो मोबाइल अगेन एंड अगेन सेल करते रहते हैं या रीसेल करते हैं लेकिन उनको ये इशू होता है कि यार कहीं उनका डेटा चोरी ना किया जाए या फिर उनका डेटा जो है वो लीक ना हो जाए स्पेशली हम जब भी मोबाइल लेते हैं तो ऑफकोर्स हमारे पास अपना प्र... पर्सनल प्राइवेट डेटा भी होता है जो हम किसी को देना तो दूर की बात दिखाना भी नहीं चाहते काफ़ी यूज़र्स को ये चीज़ फेस करना पड़ी है कि जब उन्होंने अपना मोबाइल सेल किया और उसके बाद जो है वो उनका डेटा लीक हुआ है और यह बहुत ही सीरियस इशू है क्योंकि इसी चक्कर में काफ़ी लोगों ने खुदकुशी तक कर ली है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना डेटा डिलीट करें कि वो रिकवर ना हो सके चाहे वो मोबाइल का मेमोरी कार्ड हो या फिर इट् मोबाइल हो बाजार लोगों को ये भी गलत फहमी है कि आईफोन का डेटा रिकवर नहीं होता आईफोन को एक बार रीसेट कर दो तो उसके बाद जो है फोन का डेटा रिकवर नहीं होता तो ये गलत फहमी है ऐसा नहीं होता आईफोन का डेटा भी रिकवर हो जाता है आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं अब ऐसा क्या किया जाए कि आपका डेटा किस तरीके से डिलीट किया जाए कि वो दोबारा डिलीट दोबारा रिकवर ना हो सके तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप एक काम करें आपके पास जो भी डिवाइस है आईफोन है एंड्रॉयड है या फिर मेमोरी कार्ड है उसको आप जो आपका डेटा है उसको डिलीट करें उसके बाद आप दूसरी कोई वीडियोस या फिर सॉन्ग्स कोई ऐसा डेटा जो पब्लिक डेटा है यानी कि मूवीज़ हो गई या फिर कोशिश करें कि एम पी सॉन्ग्स जो हैं वो पूरी मेमोरी के अंदर एम पी सॉन्ग्स भर दें बेसिकली होता क्या है कि डेटा के क्लस्टर्स होते हैं और जब हम कोई भी डेटा फॉर्मेट करते हैं तो वो डेटा जो है ज़ीरो क्लस्टर पे चला जाता है यानी स्टिल वो रिकवरेबल होता है क्योंकि मेमोरी फॉर्मेट हो चुकी होती है मेमोरी में, में स्पेस होता है और अगर हम रिकवर करना चाहें तो वहाँ से वो डेटा आ जाता है लेकिन अगर उसी मेमोरी को दोबारा रिफिल किया जाए तो वो ज़ीरो क्लस्टर से जो पुराना आपका डेटा था वो सारा का सारा डेटा वहाँ से निकल जाता है तो उसी आप फॉर्मेट करें अपने डेटा को अपना जो भी पर्सनल डेटा है उसको डिलीट करें और उसके बाद जो भी स्पेस रिमेनिंग रहता है उसमें एम पी सॉन्ग्स या फिर वीडियो या फिर कोई ऐसा पब्लिक डेटा जो है वो अपने मोबाइल की मेमोरी में फुल कर दें ताकि उसके बाद जो है वो आपका पर्सनल डेटा वो ज़ीरो ट्रैक से भी रिमूव हो जाए जब ज़ीरो ट्रैक से आपका डेटा रिमूव हो जाएगा वो एम पी सॉन्ग्स से आपने फ़िल कर दिया और उसके बाद उस दोबारा अपने डिवाइस को या अपने मेमरी कार्ड को उसको फॉर्मेट कर दें अपना डेटा डिलीट कर दें रीसेट कर दें मोबाइल को व्हाट्सएप पर जो भी कर सकते हैं वो कर दें और उसके बाद मोबाइल को सेल कर दें अब आपका डाटा कोई भी रिकवर नहीं कर सकता आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आई होप कि ये ट्रिक आपके लिए यानी कि फायदेमंद रही होगी और आपको ये जान के अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना मोबाइल सेल करेंगे तो इसी तरीके से सेल करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़